हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले फोटोशॉप के अंदर किसी भी फोटो को ऑरेंज एंड टील ग्रेडिंग करके अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जिस इमेज के ऊपर आपको कलर ग्रेडिंग करना है उस इमेज को यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लेने के बाद डुप्लीकेट लेयर के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। देन उस डुप्लीकेट लेयर को आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है फिल्टर ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर करके एक ऑप्शन है, उसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल ए। कैमरा रॉ फिल्टर की विंडो ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे कोलैबोरेशन में के अंदर जाना है। देन आपको यहाँ पे रेड प्राइमरी के अंदर ह्यू को चेंज करना है, यहाँ पे अराउंड यहाँ पे 50%। ये जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे आप यहाँ पे नोट करके रख सकते हैं, या हो सकता है कि मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। हर फोटो का जो है प्रॉपर्टीज अलग होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे सैचुरेशन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। यहाँ पे अराउंड मेरे फोटो के हिसाब से मैं यहाँ पे 50% रख लेता हूँ, -50%। देन मैं ग्रीन को भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, अराउंड यहाँ पे मैं 50% तक यहाँ पे कर दूंगा। देन यहाँ पे इसके सेचुरेशन को मैं छेड़ूंगा नहीं, यहाँ पे मैं इसको जीरो ही रहने दूंगा। ब्लू वाले जो ब्लू प्राइमरी का जो ह्यू है मैं इसको नेगेटिव स्पेस पे अंदर डाल दूंगा। यहाँ पे मैं नेगेटिव में 50% यहाँ पे कर देता हूँ। देन इसका जो सेचुरेशन है उसको मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा। तो ये वाला जो प्रॉपर्टीज है आप नोट कर सकते हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज है मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकता है कि दे दूंगा आपको, लेकिन आप फिर भी नोट कर लो। आप देख सकते हैं कि फोटो के अंदर काफी डिटेलिंग चेंज हो गई है। यहाँ पे आप इस तरह से जूम करके देख सकते हैं। देन आपको जाना है यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में बेसिक्स में, इसको टेम्परेचर को आपको थोड़ा सा ब्लूइश में थोड़ा सा लेकर जाना है। मतलब आप जितना भी ब्लू के यहाँ पे इसको ड्रैग करोगे तो ये ब्लू मतलब कि यहाँ पे कूल होता जाएगा, और अगर आप येलो वाले के इसमें लेके जाएंगे, येलो के ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये वार्म होता जाएगा। तो हमको थोड़ा सा ब्लूइश कलर यहाँ पे शेड चाहिए, इसलिए मैं 10% यहाँ पे रख देता हूँ। टिंट को मैं यहाँ पे हाथ में लगाऊंगा, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि पूरे इमेज के ऊपर हमारा कंट्रोल रहे। एक्सपोजर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दूंगा ताकि दिखने में और भी कूल लगे। इस तरह के फोटोज आपने इंस्टाग्राम के ऊपर काफी सारे देखे होंगे, आप इंस्टाग्राम के ऊपर इस तरह के फोटो एडिट करके पोस्ट कर सकते हो। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना, आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देन बढ़ते हम कॉन्ट्रास्ट की तरफ। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, देन हाइलाइट्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दूंगा, शेडोज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम कर दूंगा। आप ये प्रॉपर्टीज भी आप नोट कर सकते हैं। व्हाइट्स को मैं हाथ में लगाऊंगा, यहाँ पे जीरो ही रहने दूंगा। ब्लैक्स को मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्पेस में डाल दूंगा। देन यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियरिटी का, क्लियरिटी को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिटेल यहाँ पे एडिट हो चुके हैं फोटो के अंदर। ये काफ़ी आसान मेथड है, आप इसको आपके फोटोज के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। वाइब्रेंस को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, और सैचुरेशन को मैं थोड़ा सा लाइट एकदम, इसके ऊपर हाथ आपको एकदम थोड़ा ढीला हाथ रखना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे सेटिंग्स ऐसे है कि जो समझ में नहीं आएंगे काफ़ी सारे लोगों के लिए, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा हाथ इसके ऊपर ढीला रखिए। देन आपको जाना है यहाँ पे कर्व्स के अंदर, और यहाँ पे आपको जस्ट देखना है कि यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये वाला पॉइंट सेलेक्ट रहना चाहिए। देन आपको यहाँ पे एक सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे वैल्यू डालनी है माइनस इनपुट और आउटपुट 2020। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर भी चेंज हो चुका है, और इसको बंद कर देना है। देन ये अभी आपको जो फोटो है ये काफ़ी डिफरेंट लग रहा है पहले से, थोड़े से वैल्यू मेरे हिसाब से मैं कर लेता हूँ। ऑप्टिक्स में जाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है विगनेट, आप देख सकते हैं कि ये जो कॉर्नर्स है ये काफ़ी फोटोज़ में आपने देखे होंगे, और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि ये ऑप्शन क्या चीज़ है, तो मैन्युअली ब्रश से ऐड कर देते काफ़ी लोग, लेकिन यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से आप वाइट भी कर सकते हैं और ब्लैक भी। मैं यहाँ पे इसको ब्लैक 40-40 रख देता हूँ यहाँ पे, तो इतना ठीक लग रहा है मुझे कि आप देख सकते हैं कि ये फोटो हमारी प्रीवियस में कैसी थी, और अब ये हमने एडिट करने के बाद में किस तरह से हो गई है। और आप इस प्रीसेट को यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीसेट का ऑप्शन है, कंट्रोल शिफ्ट पी आप प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे सेव प्रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है। इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं इसका। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसको न्यू ऑरेंज, और यहाँ पे ओके करके मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आने के बाद में, तो ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी रेडीमेड मिल जाएगा, आपको इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये क्लिक ऑप्शन को ओके करने के बाद में आप देख सकते हैं कि कितना कूल हमारा ये फोटो लग रहा है। मैं इसको प्रीवियस फोटो भी दिखा देता हूँ आपको, और एडिट करने के बाद में ये वाला फोटो कैसा लग रहा है ये भी देख लीजिए। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। मैंने काफ़ी सारे फोटोज इस तरह से एडिट करके रखा हुआ हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर।